इसने यहाँ पे अप के लिए सिग्नल दिया, देन मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ओपन करूंगा एक मिनट का, बिकॉज इसने फिक्स यहाँ पे अपने को दिया, तो चार कैंडल अभी हमारे पास टाइम है, मतलब 4 मिनट हमारे पास टाइम है कि हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बिकॉज यहाँ पे वीडियोस बनती है वैसा, आप लोग कमेंट करते हो जैसा। तो सबसे पहले वीडियो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जो मेरा सबसे पहला काम है आप लोग को दिखाने का, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, ये हमारे VIP लर्निंग प्लस पब्लिक ग्रुप, तीनों के सेशन के दौरान जो हमने ट्रेड्स ओपन करी है वो है यहाँ पे। हमने आज ज़्यादा रिस्क नहीं लिया बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ सेशन पे बोला जाए तो सेशन पे ही ये जो ट्रेड्स है वो ओपन किए। ओके, पर्सनली ट्रेड्स आज हमने ओपन नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई बड़ा अमाउंट का ट्रेड देखने को नहीं मिला होगा। ओके, लर्निंग ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, VIP ग्रुप, फीडबैक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन मैं आपको अवेयरनेस फैला दूं कि प्लीज़ कहीं पे भी जाके सर्च ना कीजिए धर्म ट्रेडर, A to Z सभी प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा काम है आप लोग को बताना, हमने बता दिया, क्योंकि मैं या फिर मेरी टीम कभी भी किसी को सामने से मैसेज नहीं करती। ओके, सो प्लीज़ अवेयर रहें। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार बनने जा रही है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज गाइस आज के वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑलम ट्रेड के कौन से नए रूल्स आ रहे हैं या फिर ऑलम ट्रेड के कौन कौन से न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपडेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है गाइस वो है कि ऑलम ट्रेड अपना डिपॉजिट मेथड यहाँ पे चेंज कर सकता है। ओके, एंड मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि अगर आप सिर्फ एक पेमेंट मेथड से पेमेंट करने का आदत डालोगे तो फिर वो आदत बन जाएगा और आप कभी किसी दूसरे पेमेंट मेथड पे स्विच नहीं हो पाओगे। ओके, सभी ब्रोकर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका UPI काम नहीं कर रहा है। अगेन मैं आप लोग को बता दूं, ऑलम ट्रेड ने 2-3 महीने पहले ही दे दी थी कि आप लोग USD अकाउंट का यूज़ करो। ठीक है, अगर आप लोग को इसके ऊपर जानना है कि USDT पे डिपॉजिट कैसे करना है तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ आप लोगों के कमेंट का। ओके, सो प्लीज़ जाके कमेंट ज़रूर करें कि अगर आपको USDT पे डिपॉजिट सीखना है कि USDT पे डिपॉजिट कैसे करें। ट्रांसफ़र तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन है गाइस कि आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, अगर आप USDT से कर रहे हो तो फिर आपको बिनांस पे अकाउंट होना ज़रूरी है, तो उस पर कैसे वर्क करना है, क्या करना है, A to Z मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे मिनिमम हैशटैग USDT कमेंट अगर आता है तो फिर ओके, तो जाके कमेंट ज़रूर करो। एंड अगेन मैं बोल दूं गाइस, UPI आप लोगों के लिए परमानेंट इस फील्ड में नहीं रहेगा। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में आप लोग को UPI परमानेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, RBI के कुछ अपने गाइडलाइंस हैं, वो दिन ब दिन यहाँ पे चेंज करती जा रही है, जिसकी वजह से आपको UPI में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जिनका पेमेंट मेथड अच्छे से काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, आप लोग उससे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, बट जिनका काम नहीं कर रहा है ये उनके लिए है। ओके, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो पे क्या मैं इसके ऊपर बनाऊँ कि हाउ टू डिपॉजिट विड्रॉल USDT। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। आप में से किसी एक भाई ने कमेंट करा था कि सर आप अपना मार्केट प्लेस दिखाओ, आपने क्या क्या परचेस करके रखा है। ओके, सो मैं आप लोग को बता दूं मार्केट प्लेस में, एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताऊंगा जहां से मेरी लाइफ चेंज हुई थी ट्रेडिंग पे। ओके, सो वीडियो को कंटिन्यू करो कभी भी, या फिर बीच से स्किप करके देखना मत। ओके, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे इतना सारा परचेस है, स्टॉक्स्टिक RSI है, एंड यहाँ पे और भी चीज़ है आप चेक कर पा रहे हो। ओके, अगर आपको इन स्ट्रेटजी का रिव्यू चाहना है इसके बारे में भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए रिव्यूज़ करने के लिए, अगर आप चाहें तो हम इनमें से किसी का भी रिव्यू कर सकते हो, उसको परचेस करके भी आप लोग को दिखा देंगे। ठीक है, इवेंट में आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सभी के में लीडर्स बोर्ड में टॉप 1 दिखाता है, तो मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारा जो टॉप लीडर बोर्ड में जो टॉप 1 रैंक दिखा रहे हैं ना गाइस, वो हमारे जितने भी फील्ड के जो हाई पे डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, जैसे कि हमारा जो ट्रेड रहता है गाइस वो $1,000 से $5,000 के बीच पे रहता है। ठीक है, तो इस सभी के बीच पे जो भी ट्रेड ओपन करता है वो हमारे पोर्टफोलियो में शो होगा। ओके,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप $100 की ट्रेड ओपन करोगे तो जाके आपको 50 से 80 का पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इतना करते करते कम से कम साल निकल जाए, समझ रहे हो आप जिस फील्ड में। ओके, अगर आप $10 की ट्रेड मैक्सिमम ओपन करते हो तो आपका रैंक वही दिखाएगा जो $10 की मैक्सिमम ट्रेड्स ओपन करते हैं, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा जो पर्सनली मैं अभी कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था, जो है गाइस हमारा बिल विलियम्स फैक्टर्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले यूट्यूब पे वो वाली भी देख लो, ठीक है, आपको ये बेटर समझ आएगा। यहाँ पे गाइस मैं 5 ट्रेड ओपन करूँगा 1 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा मैं, $200 का ट्रेड ओपन करूँगा, ठीक है। एंड जस्ट 2 मिनट मैं यहाँ पे रुकूँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड ओपन करूँगा। बस थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, कैंडल क्लोज होने देंगे। क्यों ओपन किया, क्या ओपन किया, वो भी मैं आपको आगे रीज़न बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, ओके। सेटिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है गाइस, सेटिंग चेक करना है तो जाके वो वाली वीडियो देख लेना आप लोग, ओके। सो गाइस यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया है, क्या देख के ट्रेड ओपन करा मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दूँ। ये जो आप लोग को सिग्नल देगी ना गाइस, बिल विलियम्स फैक्टर्स, ठीक है, ये आपको रॉन्ग सिग्नल देगी, ठीक है। अगर ये अप के लिए आपको बता रही है तो आपको डाउन का ट्रेड ओपन करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलोगे डाउन का आपको सिग्नल दिया और आपने डाउन का ही ट्रेड ओपन किया, ओके। मैंने इसलिए ओपन करा गाइस क्योंकि यहाँ पे करेक्शन होगा, ठीक है, हो सकता है कि मुझे विन भी हो लॉस भी हो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए ट्रेड ओपन करा, ठीक है। इसके बाद मैं किसी और करेंसी पेड में जाके आप लोग को लाइव दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, ओके। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि ये कितने कैंडल्स को फॉलो कर रहा है, 3, ठीक है। अगर यहाँ पे फुल शैडो देखा जाए गाइस तो यहाँ पे 2 आपको दिखेगा फुल शैडो पे, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 के बाद बनाया और यहाँ पे इसने 2 के बाद बनाया, मतलब ये बिल विलियम्स फैक्टर्स को पकड़े तो ये 4 कैंडल पे आप लोग को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ $180 का, इसने यहाँ पे अप के लिए सिग्नल दिया, देन मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ओपन करूँगा 1 मिनट का, बिकॉज इसने फिक्स यहाँ पे अपने को दिया तो 4 कैंडल अभी हमारे पास टाइम है, मतलब 4 मिनट हमारे पास टाइम है कि हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ओके। देन मैं आप लोग को किसी और करेंसी पीरियड पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। गाइज अप्लाई ज़रूर किया करो यार, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो हमारे वीडियोस बनाने का क्या मकसद रहेगा, देखो सीखो अप्लाई करो। इसने यहाँ पे डाउन के लिए सिग्नल दिया, मैं यहाँ से अप के लिए ट्रेड ओपन करूँगा 1 मिनट का, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लेट हुआ तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और ओपन करूँगा, ओके। यहाँ पे कुल टोटल गाइस हमारी 3 ट्रेड चल रही है, जिसमें से 2 हमारी लगी है गाइस AUD CAD पे, ओके, ऑस्ट्रेलियन US डॉलर पे लगी है और कैनेडियन डॉलर्स पे लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 ट्रेड लगी है, जिसमें से जो हमारी यूरो GBP वाली ट्रेड है गाइस प्रॉफिट लॉस पे जा रही है, बट देखते हैं 8 सेकंड लेफ्ट है गाइस यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा तो गाइस आप चेक कर पा रहे हो, इसने मेरे को लास्ट पिन पे लॉस कराया, ओके, लास्ट पिप पे। इसमें अगर मेरी जगह कोई और रहेगा तो बोलेगा कि भाई स्कैम हो गया, भाई स्कैम कुछ नहीं है, वो कभी कभी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो फिर हो जाता है यार, ओके। एंड यहाँ पे गाइस मैंने 1 मिनट का ट्रेड ओपन किया था, इसके बाद हम 2 मिनट की ट्रेड देखेंगे, ओके ओके। सो यहाँ पे हमारा एक, ओ शिट, सो गाइस ये भी हमारा लास्ट पिप से लॉस किया, ठीक है। एनीवेज हम अपना अमाउंट डबल करेंगे गाइज, आपको मार्टिंगल यूज़ करना है तो मैं आपको बता दूँ, 1 से 2 डॉलर का ही ट्रेड ओपन करना, अमाउंट पे हमेशा 100 से 200 डॉलर्स होने चाहिए, ओके। ट्रेडर गाइज मैं आपको बता दूँ, कई लोग बोलते हैं ना कि सर ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, तो जैसी जिसकी सोच, ठीक है, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज स्टॉक मार्केट पे मैं आप लोग को बता दूं, अगर गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को हटा देगी ना गाइस तो जो देश का GDP है वो ही पता नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट हर चीज़ पे डिपेंड करता है, एवरी बिजनेस इज अ डिपेंड स्टॉक मार्केट, ओके, हर बिजनेस यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे डिपेंड है, तो आप लोग इसे गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। गैम्बलिंग बोलोगे, गैम्बलिंग तो यार खुलेआम चलता है, बैठ के ताश जुआ खेल रहे वो होता है गैम्बलिंग, ठीक है। और आपके लिए ये गैम्बलिंग है मैं मानता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो लोग बोलते हैं गाइस कि ये गैम्बलिंग है तो उसको सिर्फ एक चीज़ किया करो आप लोग, जैसे कि ये GBP JPY है, इसे ओपन करो, यहाँ पे आई बटन इस पर क्लिक करो, देन ये थोड़ा सा बफिंग हो रहा है नेट की वजह से, आई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से निकल के आएगा गाइस इसका पोर्टफोलियो कि ये मार्केट किस पे डिपेंड है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कंडीशंस चेक कर सकते हो, शेड्यूल चेक कर सकते हो, अबाउट, अबाउट पे यहाँ पे आके आप पूरा चेक करो, पूरा पढ़ो,
ठीक है, जो बोलता है कि गैम्बलिंग है उसको ये सब पढ़ाओ, ओके, अगर पढ़ने नहीं आता तो ट्रांसलेट कर लो, ठीक है, बट ऐसे ही किसी फील्ड को बदनाम ना करें, ओके। सो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ था समथिंग, मेरे को $400 का लॉस हुआ। मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है $1600 का, 2 मिनट का ट्रेड ओपन किया, 1 मिनट का अगर ट्रेड ओपन किया होता तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होता, ओके, बट मैंने 2 मिनट का ट्रेड ओपन किया आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 2 से 3 कैंडल तो अपने आप को फॉलो करती ही करती है, ओके। यहाँ पे गाइस 25 सेकंड लेफ्ट है हमारे में, कंटिन्यूसली हमारी 3rd कैंडल है जो ग्रीन पे जा रही है, ओके। बाकी गाइस यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना यार, हमारी वीडियोस पे बहुत कम लाइक्स आते हैं यार, आप लोग देखते हो वीडियो सीखते हो, प्लीज़ फटाफट लाइक्स बढ़ाओ। और बड़े मॉनिटर का जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ड्रीम है कि हम आप लोग को सिखाएं, उसको यार अचीव करने में हमारी हेल्प करो, ओके। जितना आप हेल्प करोगे उतना ही अच्छा है। हेल्प क्या करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, ओके। हमारा टारगेट है गाइस कि अगर हमारा 30K भी हो रहा है नेक्स्ट 3-4 मंथ पे, तो हम आप लोगों के लिए बिग मॉनिटर पे आप लोग को समझाने के लिए आएंगे। बिग मॉनिटर का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर ये सिंगल रेड कैंडल है तो मैं आपको वहाँ पे खड़े होकर समझाऊंगा कि ये रेड कैंडल क्यों बढ़ रही है, ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत होने देना, अपॉर्चुनिटी जाने मत देना, तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा प्रॉफिट हो चुका है, हमने $400 का लॉस किया हुआ था, उसके बाद मैंने $1600 का ट्रेड ओपन किया जहाँ पे मेरे को $1400 के अराउंड प्रॉफिट हुआ, ओके। तो $1000 का प्रॉफिट मेरा इस पर हो गया, उसको छोड़कर यहाँ पे मेरे को $180 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा बिल विलियम्स फ्रैक्टल्स के बारे में कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। यहाँ पे गाइस अपने को यहाँ पे सिग्नल मिला था, देन हमने यहाँ से ट्रेड ओपन किया था बैक टू बैक, यहाँ से मार्केट अभी तक अप है, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट के सिग्नल है आपको इजीली दे देगी, डेमो में प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद अगर यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ फटाफट आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लर्निंग ग्रुप है गाइस, उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। ऐसी वीडियोस वहाँ पे हम शेयर करते हैं, आप लोग को एक एक पॉइंट बताया जाता है हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा कि आप इस पॉइंट पे जाके वीडियो देखिए, काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। सो बस गाइस इस वीडियो पे इतना ही, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और अगर आप USDT में कन्वर्ट करना चाहते हो, USDT से डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है गाइस वो बहुत ज़्यादा अभी सेफ है, सिक्योर है और बहुत फास्ट सर्विस दे रही है UPI के मुकाबले, ओके। सो अगर उस पर वीडियोज़ चाहते हो तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कर देना। बाकी गाइस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।